हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके स्मार्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न प्रोडक्ट फार्मूला, इसको हम AB फार्मूला भी बोलते हैं, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रोडक्ट फार्मूला कैसे याद रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कहाँ यूज होता है ये हम मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कैसे क्वेश्चन है, कैसे है प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने AB फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक A होगा और एक B होगा, एक का एंगल A होगा, एक का एंगल B होगा। तो फर्स्ट हमारे इसके 4 फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हमारे पास देखिए, हमारे पास साइन के ही फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा साइन हो सकता है, एक कॉस। साइन और कॉस के ही फॉर्मूले होते हैं, इससे हम ऑपोजिट बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास साइन है, साइन ए, साइन के साथ क्या आ गया ए, और कॉस के साथ क्या लिख दिया मैंने बी। तो ये साइन ए कॉस बी आ जाएगा। कितने हैं साइन और कॉस, तो साथ में लगा देंगे 2, तो फॉर्मूले में 2 लगना ही लगना है। तो ऐसे ही हमारा ऐसे भी हो सकता है 2। अब हमारा कॉस आगे आ जाएगा और जो साइन है वो पीछे चला जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे ए और यहां लिख देंगे बी, ऐसे भी आ सकता है। और थर्ड हमारा क्या आ सकता है, थर्ड हमारा आ सकता है हमारा कॉस, कॉस भी आ सकता है। तो ये बन जाएगा 2 कॉस के साथ ए, कॉस के साथ बी। और फोर्थ हमारा साइन, साइन भी आ सकता है। तो फोर्थ हमारा क्या है, साइन साइन। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बन, ये हमारा ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमने इसको कैसे एक्सपेंड करना है ये सीखना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब आप साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। तो इजी वे से मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास S और ये हमारा S है और ये हमारा C है, तो ये क्या है S और C, SC है। तो जब भी SC आएगा, मतलब साइन और कॉस, और ये S और C आएगा, यहां पर हमने लिख देना है S और यहां पर भी लिख देना है S। मीन जब भी हमारे डिफरेंट आएंगे साइन कॉस, साइन है S और C है कॉस, तो साइन ही आना है। यहां पर भी पहले सी है फिर है साइन, तो सी एस मतलब डिफरेंट है। तो ये बन जाएगा यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन। आगे हमारा है कॉस, यहां भी सी है और यहां भी सी है, मींस दोनों सेम है। जब भी सेम आएगा तो बन जाएगा हमारा सी कॉस सी। तो यहां पर साइन, ये भी साइन है ये भी साइन है, दोनों सेम है। तो यहां पर आ जाएगा सी, मतलब सेम होंगे तो हम सी लगाएंगे, डिफरेंट होंगे तो हम साइन लगाएंगे। तो यहां पर ये डिफरेंट है इसलिए यहां पर ये बन जाएगा साइन, यहां पर भी बन जाएगा साइन, और यहां पर भी साइन कॉसाइन है, यहां पर भी साइन बन जाएगा और यहां पर भी साइन बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर सेम है तो ये कॉस बन जाएगा और यहां पर भी कॉस बन जाएगा और हमारा यहां पर भी कॉस बन जाएगा और इधर भी कॉस बन जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, तो यहां पर भी हमारा क्या बन जाएगा कॉस। तो अब हमने इसको लर्न करना है, लर्न कैसे करेंगे बेसिकली, अब इजी है। यहां पर क्या है, फर्स्ट हम प्लस लिखेंगे ए प्लस बी, क्या कर दिया हमने पहले प्लस कर दिया, सेकेंड टाइम हम माइनस कर देंगे ए माइनस बी, और फिर से आपने फिर से प्लस कर देना है और फिर से क्या कर देना है माइनस कर देना है, और फिर से ये प्लस कर देंगे और ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहां पर आएगा प्लस माइनस, देखिए कितना इजी है। ठीक है, प्लस माइनस तो ऐसे आएगा। अब देखने वाली ये बात है, ये a माइनस बी, तो यहां पर डिफरेंट आएगा, यहां पर आएगा a माइनस बी और ये वाला इधर चल जाएगा। तो ये आपने याद रखना है।
तो देखिए ये हमारे जो है वो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो बस आपने यही इतना फॉर्मूले याद रखने हैं। अब ये पैटर्न ही आपने याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। तो ऐसे पैटर्न याद रखना है, ये सीधा आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। तो आपने लास्ट में इसको चेंज कर देना है। तो ऐसे इसको फॉर्मूले को याद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जी बेसिकली इसमें आएंगे, यहाँ पर यूज होंगे। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन डिप्लोमे वालों के लिए है, और जो हमारे प्लस वन स्टूडेंट कर रहे हैं नॉन मेडिकल, वो उनके लिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो जब भी हमारे ऐसे आएगा, हमने ये फॉर्मूले, जब भी हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तब हमने यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा।